हेलो गाइस, आज फिर से मैं अपने खेत पर आया हूँ। जो पहले हमने मिट्टी डाली थी उससे जो हमारा स्नो है वो मेल्ट हुआ नहीं, तो मैं देखने आया था कैसा है। अगर वो मेल्ट नहीं हुआ होगा तो हमें वो जो है बेलचे के साथ जो है तोड़ना पड़ेगा उसको, ताकि हम जो फील्ड को है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीडलिंग के लिए प्रिपेयर कर सके। तो भी यहाँ तो काफ़ी बर्फ़ है, देखिए वो, तो देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रास्तों पर सब जगह है, तो मैं यहाँ पर तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे। शिट, देखिए एक्चुअली क्या है ना, पाँव ज़मीन पर, देखिए बर्फ़ सॉफ्ट है क्योंकि ये धूप लग चुकी है, इसके बाद रिस्की रहता है, तो बहुत ही मुश्किल है इसे चल पाना। तो मैं देखता हूँ, बहुत है, ठंड भी काफ़ी है, शूज़ के अंदर भी बर्फ चली गई है जिसके कारण ना ठंड लग रही है। कहाँ से जाएं? अगर रास्ता में यहाँ से करेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ मिट्टी डाले वहाँ तो सॉफ्ट हार्ड है, बट क्या है ना ये काफ़ी डीप पॉइंट है, ऐसे ना हो। ये देखिए स्नो में ये रिस्क रहता है, एक बार अगर आप धंस गए फिर जो है निकलना काफ़ी मुश्किल भरा रहता है, क्योंकि सॉफ्ट होने के कारण ये धंसती रहती है। सो फाइनली क्रॉस हो गई, यहाँ पर तो बर्फ़ इतना ज़्यादा लग नहीं रहा, बट इन एरियाज में ज़्यादा लग रहा है। और वो सामने देखिए जो हमारे स्टेट का सबसे हाईएस्ट स्नो पीक है, वो कभी फुर्सत में एक्सप्लेन करके बताएंगे आप लोगों को। फिलहाल तो ये देखिए जो बर्फ़ है जहाँ धूप लगती है वहाँ तो मेल्ट हो चुकी है, बट जहाँ धूप नहीं पड़ रही है वहाँ से शिट काफ़ी धस रहा है। तो अभी ये सब प्रूनिंग करने के लिए ऐसे ही बचे हैं। और वो देखिए वो जो पहाड़ है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत, मैं डेली देखता हूँ जब भी बाहर निकलता हूँ। एक ये पॉइंट हो गया आपका, एक और ही पर्कल, इन दो को मैं हमेशा देखता हूँ जब भी कभी जब भी मौका मिले, हमेशा वो हमारे आँखों के सामने रहती है। सो लेट्स स्टार्ट, कहाँ से शुरू करें? यहाँ से नहीं, सबसे टॉप पर चलते हैं, वहाँ करेंगे हम स्टार्ट। सबसे मुश्किल ये रहता है कि इस टाइम ना आपको रास्ता नहीं मिलता है, आपको अर्ली मॉर्निंग आना पड़ता है इसके लिए, अगर आपने स्नो के ऊपर चलना है तो। देखिए गाइस, शिट, ये देखिए मैं कितना डीपली, शिट, मेरा फोन भी, तो फाइनली गिरते पड़ते धसते धुसते बर्फ़ से मैं अपने जो फील्ड पर पहुंच चुका हूं। देखिए मैं कैसे कैसे आया था, देखिए यहां पर, देखिए इन बर्फ़ के बीच में धसते हुए पड़ते हुए आया यहां पर काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद। तो जो खेत में परसों जो हमने दो तीन दिन पहले जो बर्फ़ पे मिट्टी डाला था उससे आई थिंक इतने ज़्यादा जल्दी जल्दी वो मेल्ट नहीं हो पा रहा, बट क्योंकि एक क्या है कि अभी हमें जो सीडलिंग है, जो बिजाई है, जो खेत पे, जो फील्ड पे, वो जल्दी करनी है, तो इसके लिए मुझे दोबारा आकर जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होगा वहाँ मैं उनको थोड़ा तोड़ूंगा, इधर उधर फेंकूंगा, ताकि वो जल्दी मेल्ट हो सके। तो उससे पहले मैं एक बार देखूंगा कहाँ कहाँ पर है। एक मेन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि बर्फ़ है चारों साइड, और इस टाइप धूप पड़ चुकी है और बर्फ़ जो है सॉफ्ट हो चुकी है,
तो रास्ता नहीं मिल रहा चलने के लिए, हर कहीं जहाँ भी जा रहे हैं जो पाँव है वो नीचे धंस रहा है ज़मीन में। और एक बार धंस जाए तो ऐसा होता है फिर आपका जो सेकंड जो पाँव है वो फुट वाला वो भी धंस जाता है, फिर हम निकल नहीं पाते इजीली, बहुत टफ है। सो देखते हैं आज कैसे तोड़ते हैं, तो आपको दिखाते हैं आगे कैसे बर्फ़ हम तोड़ेंगे। देखिए एक साइड जो है बर्फ़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अनदर साइड अभी बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए। और सामने काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, रियो परगिल नाम है इसका। ये सब मैं तोड़ चुका हूँ, देखिए काफ़ी बर्फ़ था यहाँ पर, धीरे धीरे मैंने तोड़ दिया। थोड़ा बहुत जो है नीचे बचा है तो उसको भी मैं कुछ टाइम में तोड़ दूँगा। सो देखते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पर बचा है मेरा काम। बहुत ठंड है यार, सारा शूज़ जो है बर्फ़ में गीले हो चुके हैं मेरे, देखिए सब शूज़ है बर्फ में काफ़ी ज़्यादा गीला हो चुका है। तो ये रहा, और देखिए पहाड़ों पर जो है बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है, तो गर्मी के इस मौसम में कोई अगर यहाँ आना चाहे और कुछ अपना टाइम नेचर के साथ स्पेंड करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो देखिए स्पीति के लिए, और आपको बॉर्डर्स के सारे एरियाज नज़र आएंगे यहाँ पर। आसपास काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर देखने लायक है काफ़ी, ये देखिए। और ट्रैकिंग पे आप सुन्नम जा सकते हो, ये गया जी यहाँ से, और यहाँ अगर आप उस पास से जाओगे तो वो स्पीति कर पहुँच जाएगा। भाई बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं।
भाई बहुत ज़्यादा बर्फ़ तोड़ दिया और काफ़ी थक गया मैं। मुझे इसी फील्ड को खेत को तोड़ते हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गए भाई, थक गया काफ़ी ज़्यादा और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, गर्मी लग रही है और साथ में ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये देखिए बर्फ़ मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली, हाँ एक तो धूप काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए कितना ज़्यादा बर्फ़ तोड़ दिया। अभी तो और भी ऐसे ऐसे 3-4 खेत और हैं। हाँ भाई, काफी बर्फ तोड़ चुके हैं हम, थोड़ा रेस्ट करते हैं। चाय का टाइम हो चुका है और ऊपर जो मॉनेस्ट्री है वहाँ पर जो 5 बजे का जो बेल है वो बज चुका है इस टाइम, तो चलते हैं अब चाय पीते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको हमने कितना तोड़ा आज। ये देखिए नोज ना काफ़ी इससे आलू के छिलके की तरह निकल रहे हैं ठंड से। 3 दिन कंटिन्यू जो मैंने जो है इसमें बर्फ़ में जो है बर्फ़ तोड़े है यहाँ पर ठंड में। क्या होता है कि जो ठंडी हवा होती है बर्फ़ से लगती है वो जो स्किन को बर्न कर देती है, इसलिए मैंने आज ही अपना जो मास्क ये पहना है ये पूरा हम तोड़ चुके हैं। वो देखिए जी हमारा मॉनेस्ट्री है उधर, वहाँ जो 5 बजे का बेल बज चुका है, ओह सॉरी ये 4 बजे का बेल है जी चाय के लिए। तो इस टाइम जैसे ही बेल बजता है सब चाय पीने के लिए दौड़ जाते हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। देखिए काफ़ी ज़्यादा, तो शूज़ भी गीले हो चुके हैं, देखिए ठंड लग रही है काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए जी ये देखिए,
पूछ लेना।